करनाल के करण लेक पर हरियाणा भर के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जननायक जनता पार्टी के नेता देवेंद्र कादियान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, जिसमें मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्टर के लिए टेंडर संबंधी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। यहां हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा नए नियम के अनुसार छोटे कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में सरकार से मिलकर समाधान करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। देवेंद्र कादियान ने कहा कि वह उनकी समस्या को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर प्रदेश भर से आए कॉन्ट्रैक्टर ने देवेंद्र कादियान का फूल मालाओं से स्वागत किया एवं सरकार से उनकी समस्याओं को हल करवाने का आह्वान भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। इसको इस हिसाब से लगाने की गुजारिश है, बरम की मिट्टी करेट 15 मीटर का लगाते हैं, जबकि 15 मीटर पर कहीं भी मिट्टी अवेलेबल नहीं होती जी, ना कोई गवर्नमेंट लैंड में से लेना देता है, ना कोई प्राइवेट लैंड में से लेना देता है, सब मिट्टी मोल मिलती है जी। तो इसका रेट एक हिसाब से मिनिमम चाहे या तो इस हिसाब से फिक्स हो कि उसका वेरिएशन केस बनता है जी, जब तक वो वेरिएशन केस नहीं अप्रूव होगा गवर्नमेंट से, जब तक उसका बिल फाइनल नहीं होगा जी, ये बिल्कुल नाजायज है। एक्शन लेवल पे जिसकी पावर का उसकी लेवल पे, एम्प्लॉयर लेवल पे वेरिएशन केस और टाइम लिमिट हम लोगों के फाइनल होने चाहिए जी। तीसरा है रेट का एनालिसिस, मार्केट रेट पर होना चाहिए जी, मार्केट रेट कुछ होता है, एनालिसिस कुछ बनाते हैं, तो उस हिसाब से जो भी टेंडर हमारा कंपेयर हो वो मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। हमारे जैसे साथी को पॉलिटिकल आदमी बोल देता है कि भाई इसको थोड़ा सा नाले को और आगे कर दो, उसमें वेरिएशन की भी दिक्कत आती है। बात आपकी काफी जायज है, पर जो एक दो बातें ऐसी है जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो काम नहीं मिल पा रहे, उसके लिए मैं आप सभी साथियों से कहूंगा कि दो चार साथी जो अपने मेन एसोसिएशन के हैं या कोई भी जो साथी आना चाहे, मैं दुष्यंत जी से रिक्वेस्ट करके आप लोगों का टाइम लेकर आप लोगों की जो आवाज है उसको उठाने का काम करेंगे, ताकि जो है आप भी बड़े ठेकेदारों के साथ साथ आप लोगों का भी सरकार जो है ध्यान रखेगी। और दुष्यंत जी जो है आपकी बात समझ के मैं समझता हूँ वो काम ये करेंगे, क्योंकि जो जायज काम है वो कभी मना नहीं करते, और आप लोगों की भी सुनेंगे भी, और फिर एक बार बात करा के फिर आपकी जो दोबारा मीटिंग होगी उसमें दुष्यंत जी या दिग्विजय जी कोई भी आएगा। और मैं तो प्रदीप को खुद ही कह रहा था, मगर मेरी जरूरत नहीं, मैं दिग्विजय जी से मुलाकात करा देता हूँ, दुष्यंत जी से मुलाकात करा देते, मगर मेरे को क्या एसोसिएशन में वैसी कोई बुलाने की जरूरत नहीं थी, मगर मैं उन्हीं को बुला देता और वहीं प्रोग्राम कर लेता। तो ये नोले में ये हमारी आपस में बैठक हुई थी, तो हम चाहते हैं कि आप आओ, तो आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतने महानुभाव मिले, बड़ी खुशी हुई। और जो भी आपका आज प्रेजेंटेशन है, जो भी मेमोरेंडम है, ये मैं दुष्यंत जी को दूंगा। ट्यूसडे को मुझे जाना, मंगलवार को तो सेशन है, उस दौरान बात भी कर लूंगा, और फिर मैं एक टाइमिंग जो है जो वो देंगे वो हम उस टाइमिंग के दौरान आपकी बात करके फिर आप लोगों को मिलवाने का काम करेंगे। Thank you.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।